ए भाइयों, ए वैसे बर्गर वगैरह बहुत अच्छा है, ए मुझे भी थोड़ा देना। ए हमारे डॉक्टर जी कहते हैं बर्गर खाने से बीपी बढ़ जाता है ना, फेंक दे बर्गर को, फेंक दे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है बर्गर, मोटा हो जाएगा तू। हाँ फिर मुझे मत गोलियो कि पैको बंदर ने बताया नहीं, फेंक दे बर्गर, फेंक दे। वो सामने कूड़ेदान कहाँ पे है? वो सामने कूड़ेदान है, ला मैं तेरे लिए तेरा बर्गर मैं कूड़े में फेंक दे, बहुत अच्छा हूँ। हाँ दे दे ये बर्गर दे वे। ए मुझे कानून हाथ में देने पर मजबूर मत कर, तेरी ने मुझे मार गया बर्गर से। मेरे पास सभी भाई के सारे वेपन आ चुके हैं, वो दो तीन दिन के लिए बाहर गए हैं तो सारी कब्जा मैंने कर लिया है गेम के ऊपर। ओए मामा जी आ गए। ए भाव, ए बर्गर वाले भाव, मर गया ना और खा ले बर्गर। कभी जिंदगी में सोचा था कि ये बर्गर तुझे कितना महंगा पड़ेगा? और खा ले बर्गर अब बैठ के। मैं बर्गर खाऊंगा कहता है। मैंने मोटे वाले बर्गर खाने हैं। हमारे घर वाले कहते हैं साथ में खाओ तो खुशी मिलती है, अकेले खाओ तो मौत मिलती है। मिल गई ना मौत फिर। भाई आज हम कर रहे हैं GTA 5 के अंदर कानून का पालन। बहुत देम टाइम पहले मम्मी भाई ने ऐसी वीडियो बनाई थी तो मैंने सोचा कि हाँ 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 मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा और मैं अपनी ये शानदार वाली क्या गाड़ी है, एकदम मस्त मस्त गाड़ी है यार। और बाप रे बाप, ये गाड़ियों के अंदर तो सीखे भी निकल के रखी हुई है। हाँ ये जो बड़ी वाली सीख है ना, ये काली वाली, इसके ऊपर मैं जुराबे से खाऊंगा। हाँ वो पीछे वाली जो सीख खपड़ी है उसके खंभे निकले हुए हैं, ये कच्चे सुखाने के लिए ठीक है। और ये जो बीच में जो सीखे लगी हुई है गाड़ी के ऊपर, ये पजामा सुखाने के लिए एकदम बड़ी है। तो चलिए भाइयों, मैं पार्किंग से गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकाल देता हूँ और आज हम करेंगे कानून का पालन। ऐसे मैं कानून का पालन बचपन से ही करता हूँ, मैंने कभी कानून जो है तोड़ा ही नहीं है। तो एक काम करो, मैं फटाफट जो है मैप खोल देता हूँ और मैप के अंदर मैं एयरपोर्ट का जो है लोकेशन डाल देता हूँ और वहाँ तक हम जाएंगे बिना कानून को तोड़े। नहीं मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊँगा, मैं बीच पे जाऊँगा, ये बीच बहुत अच्छी जगह है। तो एक काम करता हूँ, हम जाएंगे विस्पूची बीच, नहीं यहाँ जाएंगे। हाँ 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 मैं यहाँ जा पे जाऊँगा, ये जगह बहुत अच्छी है। ये गाड़ी मत ठो। अच्छा वैसे गलती तो मेरी है क्योंकि मैं सड़क के बीच में गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अलाउड नहीं है। और ये ट्रक वाले भाव, इसके ऊपर जरा बुरी नज़र डालियो, कमीना इंसान बर्गर खा रहा था अकेले अकेले। तो चलिए भाइयों, मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाऊंगा रोड। ये स्कूटर वाले भाव, ये तो बिना सिग्नल दिए तो वहाँ पर नहीं जा सकता। अरे ये वो सड़क उधर से गाड़ी आने के लिए है, क्या टशन मार रहे हो? ऐसी बाइक तो मैं भी नहीं चलाता, बहुत खतरनाक है, इसको मैं अपने गैंग में ले लेता हूँ। ओके ओरे मैंने बत्ती, ओए किसी ने नहीं देखा ये, किसी ने नहीं देखा ये, काउंट नहीं होता। मैं रेडी नहीं था, मैं रेडी ही नहीं हूँ, ये मैं रेडी हूँ ही नहीं। अच्छा तो अभी हम यहाँ पे कानून का बिल्कुल पूरा पालन करेंगे और मुझे जाना है बस पूजी बीच पर, जो कि बिल्कुल बहुत बहुत पास में ही है, बहुत पास में ही है। तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे बिल्कुल कानून का पालन करते करते, हम वहाँ पे फुदकते पहुँच जाएंगे। तो अरे मेरी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि बत्ती सामने लाल है। हाँ निकल निकल निकल, बत्ती ग्रीन हो गई है, फटाफट फटाफट निकल, मैंने हॉर्न मार देना, फटाफट निकल। वैसे मेरे हॉर्न के अंदर भी बजूका होती है। ओए बत्ती फिर से लाल होने वाली है। वैसे अगर आप लाल बत्ती के ऊपर खड़े और बत्ती ग्रीन नहीं हो रही तो आप यहाँ पे गोलियां मार के उसको ग्रीन कर सकते हो, ऐसे पट पट, ए पट पट, और ये भी गई पट पट। हाँ तो बत्ती हमारी ग्रीन हो चुकी है, हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे हमने कानून तोड़ा नहीं है क्योंकि कानून में लिखा है कि बत्ती अगर लाल हो तो तभी आपने रुकना है, और बत्ती तो लाल थी ही नहीं, बत्ती तो बिल्कुल है ही नहीं, तो बस हमने कानून तोड़ा नहीं है। ओए हट जा। हाँ हाँ ओए सामने मेरे बताइयो, सीखे चौक तुम्हें, मैंने तेरी गाड़ी के अंदर सीखे को छेड़ देनी है, बात करता है, तेरी वजह से मैंने फिर से कानून तोड़ दिया, सर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ओके तो चलिए अभी हम चलते हैं, बहुत नज़दीक है, हमारा कानून का पालन हो जाएगा, मुझे लग रहा हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से सीधे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और यहाँ पे बत्ती एकदम लाल है, तो हाँ हाँ ग्रीन होगी, हम निकलते हैं यहाँ से। देखो मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ। अरे टैक्सी वाले भाऊ, ये मेरे सामने से मत निकल, तेरे टायर पंचर करता हूँ मैं। हाँ और ले ले, घुस गया ना दीवार के अंदर, टायर पंचर कर दिया मैंने तेरे, और ले जा पैसेंजर, मैं तो पैसेंजर लेके जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और कमा ले पैसे, मेरे सामने से निकल के जा रहा है। ये जहाज वाले भाऊ, ये ऊपर से मत निकल, नीचे तेरी परछाई पड़ती है पता है। हाँ कोई बंदा अगर कपड़े सुखा रहा हो और ऊपर से तेरी परछाई पड़ जाए जहाज की तो कपड़े कैसे सूखेंगे? कहाँ पे? इधर से ऊपर से गया, कहाँ पे? इधर से गया था, कहाँ गया? ये बोला था ए भाओ, ये नीचे आ। तो अभी तक हमने एक कानून भी नहीं तोड़ा ना, बहुत अच्छा खेल रहा हूँ मैं। तो चलिए थोड़ी बहुत मैं गाड़ी आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ। ओके बिल्कुल कानून का पालन तो हमारे बचपन से ही करते आ रहे हैं, ये सारी बत्तियाँ लाल क्यों होती हैं? अभी हमारी बत्ती भी ग्रीन हो जाएगी। हाँ देखा मैंने कहा था। तो गाइस मैं एकदम बहुत अच्छा कानून जो है, और ये बत्ती लाल होने से पहले भाग जाओ। हाँ भाग गया, मेरे टायर पंचर होने वाले हैं। एक तो कितनी बड़ी गाड़ी देके रखी है मुझे, ये छोटा सा तो काम कर रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी देने के लिए प्रॉब्लम, मतलब किसने दी थी ये गाड़ी ये बड़ी वाली? सॉरी भाऊ, मैं जरा उसके जाके चरणों के अंदर माफी मांग लेता हूँ। ए भाऊ मैं बंदूक पीछे कर लूँ। ए भाव बहन जी, ये मुझसे गलती हो गई, वो गाड़ी ठुक गई, तो अगर आपने मुझसे चालान काटना है तो सॉरी। ए भाव
ए मैं तो कुछ कहा भी नहीं है तुझे। ए तेरी मैं चल। ए तेरी मैं तो कुछ कहा भी नहीं है। मैं यहाँ पे कानून का पालन की वीडियो बना रहा हूँ। ओ तेरी बत्ती लाल होगी, बत्ती ग्रीन होगी। हम निकलते हैं, हम निकलते हैं। इससे पहले कि हमारे बीच ट्रैफिक हो जाए हम निकलते हैं। फट 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 फट। ओए अच्छा ओए ओए ओ वैसे लाल बत्ती ग्रीन करने का ये आइडिया अच्छा है। हाँ हाँ बत्ती तोड़ दो, अच्छा आइडिया, अच्छा मुझे बहुत पसंद आया ये वाला आइडिया, एकदम जबरदस्त है। अच्छा तो अभी यहाँ पे हमारी बत्ती एक बार फिर से ग्रीन हो चुकी है। भाई ए भाई मैं गाड़ी से गोलियां मैं नहीं चला रहा। ए मुझे पता मुझे गाड़ी के अंदर गोलियां भी लगती है। ओ हमारी बत्ती गई। ओए ओ इतनी स्पीड में मत जा। ओ मैंने यहीं से चालान काट देना तेरा। ओके ए मैं ओए सारे ए चालान मत काटना। मैं इस भाई से थोड़ा बात कर लेता हूँ। सामने वाला भाई जो है ये मेरी जान पहचान का बंदा, इससे बात कर लेता हूँ। अरे भाऊ मेरी बात सुन। ए अगर बत्ती ग्रीन हो गई तो गाड़ी निकाल लियो। हाँ चल मैं तुझे देख रहा हूँ। तुम लोग बहुत नौटंकी करते हो, सारा ट्रैफिक जो है। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से। ये गिर जाएगा, ये गिर गया तो जमीन के अंदर खट्टा यहीं पे हो जाएगा। तू बहुत मोटा है, तू गिर मत जाइयो। ये जा कहाँ रहा है? और रोड की स्पीड के अनुसार भाग, बहुत तेज भाग रहा है। पुलिस चालान काट लेगी इतना तेज भागेगा तो। ये पागल पुलिस है GTA 5 की यार। लोग इतना तेज भागते हैं, उनको कोई चालान नहीं काटता। मैंने तेज गाड़ी चलाई तो उनको कीड़े पड़ जाते हैं। ये गाड़ी कहाँ घुसेड़ रहा है? हाँ गाड़ी कहाँ घुसेड़ रहा है पागल इंसान। बत्ती ग्रीन हुई तो भाग जाइए यहाँ से। चश्मा देखो कैसे पहना हुआ है। हाय हाय देखो मैं काम करो, तेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, दोनों साथ में जाएंगे। भाई तेरी गाड़ी खाली है, चल चल गाड़ी। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं करना होता, तू ले 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 ले, तेरी गाड़ी है, अब तो खुद गाड़ी चला। एक गाड़ी का किसी मुक्का मार के मत तोड़ियो। तेरी मैं तू यार लाल का बहुत बातों से मानता ही नहीं। तेरी मैं तेरी नई नवेली गाड़ी गई ना, और ले ले पंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? बत्ती लाल हुई नहीं, बत्ती ग्रीन हुई नहीं, पहले ही जा रहे हैं। बत्ती लाल हो गई आगे मत जाइयो। अबे ओए ओए लाल बत्ती हो गए आगे मत जा तू। ये सारे कानून तोड़ रहे हैं सारे। ट्रक वाले भाव तू कहाँ जा रहा है? रिवर्स मत कर। ट्रक के अंदर उतर गया, ट्रक के अंदर उतर गया। और ट्रक कौन लेके जाएगा लाल बत्ती? ट्रक कैसे चक्कर गिन्नी खा रहा ऊपर से बैठ के? कोई भी लाल बत्ती क्रॉस नहीं करेगा ना। तू कहाँ जा रहा है? तेरी बत्ती भी लाल है, तू लाल बत्ती के ऊपर कैसे ट्रैफिक? तुम्हारी वजह से GTA 5 के अंदर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तुम्हारी वजह से। तेरी मैं तू कहाँ जा रहा है? तू पारे मारी जा रहा, मजा लो कोई बंदा बाहर नहीं। तेरी लाल बत्ती हो गई, तू वहाँ भाग कैसे जा रहा है? बत्ती को पहले ग्रीन होने दे, कोई कानून का पालन नहीं करता एकदम। कोई भी जो है कानून का पालन करता ही नहीं है। जब हम कानून तोड़ देते तो इनको कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ पर देखो मैं सबको मैं फोड़ दूंगा, कोई नहीं जाएगा आज। आज तो है सारे कानून का पालन करके जाएंगे। तू कहाँ जा रहा है? फायर वाला इंजन आग लगी है, तीन ये पैरे आते हैं, ये बहुत टशन मारते हैं। जैसी बत्ती लाल होती है ना तो ये टू टू करके निकल जाती है। यार तेरी ट्रक वाले, तू कहाँ जा रहा है? तू मोटे मोटे टायर, आज कोई जाएगा ही नहीं। ये बत्तियाँ हमने तेरी मैं परे हो, ये बत्तियाँ हमने डेकोरेशन के लिए थोड़ी लगा के रखी है यहाँ पे। इनका भी कुछ मतलब होता है, इनका कुछ पर्पस होता है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता इनको। तेरी मैं बत्ती लाल है, कहाँ जा रहा है तू? लाल बत्ती के ऊपर जा रहा है तू? इसको देख लो, तुझे क्या लगता है हम पागल हैं या खड़े? तेरी वे तू तो बंदे ही मार रहे हो। ओए एम्बुलेंस बुला, ओए ओके एम्बुलेंस को बुला लो। यहाँ पे कौन सी भीड़ जमा हो गई आंटी जी? किधर चल रहे हो? गाड़ियाँ लेके गाड़ियाँ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ छोड़ के सड़क के अंदर गाड़ियाँ छोड़ के भाग रहे हैं। ट्रैफिक कर रहे हैं, कानूनी जुर्म हो रहा है, ये मुकदमे चलाओ इसके ऊपर यार। ये गैर कानूनी सामान लेके जा रहा है ट्रक वाला भाऊ। तो अभी हम थोड़ा बहुत कानून फॉलो करते हैं, जहाँ पर हमने जाना है वहाँ पे पहुँचेंगे। समझ जाओ कानून नहीं तोड़ते। हाँ चट्टी गाड़ी वाला समझ गया, देखो बिल्कुल लाल बत्ती के ऊपर खड़ा है। बत्ती तेरी ग्रीन है कि लाल है? बत्ती है ही नहीं। ओके तो कोई बात नहीं, फिर से मैं कल लगा लूँगा, कोई बात नहीं। तो गाइस हमें कानून का पालन करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ आराम से आराम से। हाँ हाँ देखो मैं कैसे कानून का पालन कर रहा हूँ। पटेशन ना मारी होए। हाँ गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट बनी है? सीट बेल्ट बनी क्या? सीट बेल्ट नहीं बन। अरे तेरी सीट बेल्ट कहाँ है? सीट बेल्ट तेरी सीट बेल्ट कहाँ पे है? हैं ठुकरे ओ तेरी, देखा ठुक गया ना, मैंने बोला था खुद तो ठुकेगा, साथ में दो बंदे और मारेगा सीट बेल्ट। सीट बेल्ट तेरी, मैं तू कहाँ जा रहा है? मैं उसको लाख रुपए की उसकी बात कर रहा हूँ और ये बीच में गाड़ियाँ घुसेड़ रही हैं। सीट बेल्ट पहन के आते नहीं है, गाड़ियाँ चला रहे हैं यहाँ पे GTA 5 के अंदर। तू कहाँ रिवर्स मार रहा है गाड़ी के अंदर, मेरी गाड़ी फोड़ देगा तू। सीट बेल्ट पहन लिया करो। ए चट्टी गाड़ी वाले सीट बेल्ट बांध लियो, ठीक है? हाँ मेरी तरफ मत देख, बत्ती तेरी तेरी बत्ती भी नहीं है। चल निकल ले, कोई बात नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। ओके तो बिल्कुल पास में, ओए मेरी बत्ती फिर से लाल हो गई यार। हाँ हाँ मैं कोई बात नहीं यार, वहाँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ओए चल परे हो, बत्ती मेरी ग्रीन है, सामने खड़ा है मेरे। चल तुम जा सकते हो, तुम्हारा टूटियाँ बजी हुई ऊपर से। पूपू मत करो, कोई है नहीं यहाँ पे मरने के लिए, तुम ही कहीं ना मर जाना। ओके तो अभी हम पहुँचने वाले हैं विस्फूजी बीच में, और सिर्फ हमारे सामने शाम भी होने वाली है, और बिल्कुल शाम ढलने से पहले हम पहुंच जाएंगे विस्फूजी बीच। हाँ हाँ बहुत अच्छी जगह। तेरी मैं तू
तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ पागला लाल बत्ती के ऊपर खड़े हैं? तू कहाँ जा रहा है? ये हमारे सामने कानून तोड़ के भाग गया, ये हमारे सामने। तेरी खबर कर, अब तेरी मौत आई है। ट्रक वाले दुकान जा रहा है। अच्छा, ओए होए होए होए, कोई गाड़ी से बड़ा धमाका हो गया ये। किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की, तेरी मैं यहाँ फारसी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ए जहाज पुत्री, बत्ती लाल है फिर भी ऊपर से जा रहा है। जहाज वाले भाऊ, बत्ती लाल है ऊपर से जा रहा है, ये पागल कहेंगे? आसमान के अंदर बत्तियां लगाओ। लीजिए गाइस, हमने बिल्कुल कानून फॉलो किया है, हमने एक कानून भी नहीं तोड़ा, बिल्कुल पूरा कानून का पालन। कोई अगर कोई सीखना चाहता है तो हमारी वीडियो देख के वो सीख सकता है। असली में भी नहीं, असली में नहीं, GTA के अंदर कानून का फॉलो पालन ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल। और बीच के अंदर 5 बजे के बाद कितना टाइम हो रहा है पहले मुझे ये बताओ। 7 बज रहे हैं, इन कमीनों को चैन नहीं आता, बीच के ऊपर घूम रहे हैं। 10 बजे गए, बीच के ऊपर 5 बजे के बाद कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। ए मेरी बिनी गन खराब हो गई यार, मेरी बिनी गन खराब हो गई। कोई बात नहीं, मेरे पास और गन भी है। 10 बारी बोला है कि बीच के ऊपर 5 बजे के बाद मुझे कोई बंदा नजर नहीं आना चाहिए, निकलो यहाँ से घरदार। तू का, अच्छा तू जा, निकलो यहाँ से। जरा सा सूरज निकला नहीं होता, यहाँ पे पड़े होते हैं चादर की तरह। अच्छा, यहाँ पे बियर मारते हैं बीच के ऊपर। अच्छा अच्छा, ये सिस्टम है। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है बर्गर। ए, मुझे तो कोई बर्गर भी नहीं देता, यहाँ बैठ के बियर मार रहे हैं। ओके तो चलिए गाइस, हम भी यहाँ पे बीच के ऊपर 5 बजे के बाद अलाउड नहीं होता हमें आना, ये हमारा कानून है। तो हमने पूरा एकदम सही कानून फॉलो किया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ वहाँ हुई, लेकिन हमने पूरा कानून फॉलो किया। हमने एक सिग्नल भी नहीं तोड़ा, हमने एक गाड़ी भी नहीं फोड़ी, और हमने एक बंदा भी नहीं मारा। बिल्कुल टोटली 100% कानून फॉलो करके हम यहाँ पे आ चुके हैं वेस्पूची बीच पर। चलिए, हमारी वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो बिल्कुल फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।